हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकरी बाइट्स। वेजिटेबल्स सूप तो बनाते रहते हैं, लेकिन अगर बॉयल्ड सब्जी आजकल जैसे हो गया कि घी कम खाना चाहिए, तो उसके मुताबिक हम माइक्रोवेव में बॉयल कर लेंगे। बॉयल ही होंगी, बेक तो ओवन में होती है, लेकिन इसमें तो पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन सिक जाएंगी वैसे ही तो, और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आज ऐसे ट्राई करते हैं, माइक्रोवेव में पकाते हैं मिक्स वेजेस। ये मैंने लौकी वॉश कर लिए, अब इसको पीलर से छील के इसकी पतली पतली स्लाइसेस कट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पतली पतली स्लाइसेस। पहले थोड़ा सा ऑयली कर लेंगे सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो जब पकती हैं तो पानी छोड़ेंगी, इसमें पानी तो ड्राई होगा नहीं, लेकिन जो इट सेल्फ पानी होता है इसमें हमने ऐड भी नहीं करना, तो लेकिन उसका फिर खाली पानी रह जाएगा, तो नीचे थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे। बटर ले रही हूँ ये मैंने उसको मेल्ट कर लिया है, तो इसके ऊपर हम ये स्लाइसेस बिछा देंगे। ऐसे ही हम कॉलीफ्लावर के भी छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, जितने हमें चाहिए उसके मुताबिक। अब हम इसमें एक ब्रिंजल भी ऐड कर लेंगे, इसकी भी पतली पतली स्लाइसेस कट कर लेंगे ताकि स्पेस भी बन जाए उसके मुताबिक, बाकी वेजिटेबल्स तो आ ही जाएंगी। अब हम इसके ऊपर पहले थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि नीचे अगर कई बार नहीं भी पहुंचे टेस्ट तो थोड़ा सा आना चाहिए, हल्का सा ऐड करेंगे, हाफ स्पून ऑलमोस्ट, और ऊपर से वेजिटेबल्स रख देंगे। ये एक कैरेट ले रही हूँ, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है, ये भी ऐड करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। और साथ ही ये येलो पेपर, कैप्सिकम, ये हो जाएंगी, इसके स्क्वायर स्क्वायर पीसेस कट करेंगे। छोटे छोटे चलते हैं ऊपर से, इनको लगाना है फिर।
और साथ ही ये मैंने पनीर की स्लाइसेस भी कट करके रखी है, ये भी लगा देंगे तो और अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इसका। फाइव टोमेटोज ले रही हूँ और इसमें सात आठ कलियाँ मैं गार्लिक की, इससे अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। और ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको तीखा चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए। अगर मिर्ची ठीक है तो ब्लेंड कर लेंगे अब इनको हम। अब ये टोमेटोज में हम हाफ स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें सॉल्ट बहुत कम रखा है। और इनको मिक्स करके ऊपर से सारे में बिछा देंगे इसके, बढ़िया सा टेस्ट हो जाएगा। ये टोमेटोज भी जब पक जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, बाकी नीचे तक पहुंच जाएगा क्योंकि भाप से नीचे भी जाता है इसका टेस्ट। ये देखिए ऐसे हम सारे में बिछा देंगे। और साथ ही इसके ऊपर से ऐड कर देंगे कोकम्बर, ये मैंने छोटी छोटी स्लाइसेस रखी है, अब इनको भी ऊपर से बिछा देंगे। जब ये भी उसमें भाप में पकते हैं तो इसका भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है। ऊपर से हम थोड़ा सा चीज भी डाल देंगे, सारे में स्प्रेड करना है तो अच्छा इसका भी और बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। बच्चों को तो अच्छा लगता है ये चीज़, तो वो भी खुश होके खाएंगे। वेजिटेबल्स का तो ऐसे आना ही है टेस्ट। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ऊपर से हम ब्लैक पेपर, थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक। ब्लैक पेपर इज ऑप्शनल, बाकी आप अगर डालना चाहें तो अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब फाइनली इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पालक, थोड़ी सी पत्ती, दो चार पत्ती ऐसी ही बारीक कटिंग करके कलर देने के लिए वो ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स को हम माइक्रोवेव में रखेंगे बॉयल करने के लिए। अब हम इसको 10-12 मिनट के लिए तो रखेंगे, मिनिमम तो 10 मिनट्स चाहिए, लेकिन 2 मिनट्स मोर हम ऐड कर देंगे पहले ही, ताकि अच्छे से हो जाए सॉफ्ट। बस अब हम इनको निकालेंगे। लीजिए वेजिटेबल्स सर्व करने को तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया महक के साथ, जैसे देखने में खूबसूरत वैसे ही टेस्ट। चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं अभी। सब्जी देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतनी बढ़िया महक के साथ। चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं। ये बेल पेपर, वाओ, एंड लौकी, हर सब्जी का अलग टेस्ट आएगा, चाहे हमने ये मिक्स बनाई है तो भी, क्योंकि हमने पानी तो ऐड नहीं किया, जो इटसेल्फ पानी है इसके अंदर सब्जी के अंदर, वो आप टेस्ट इंजॉय करोगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।